हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का मेरे किचन पारुल क्विजिन में स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेरी हेल्दी, वेरी डिलीशियस एंड वेरी क्विक रेसिपी, जिसका नाम है बाजरे की चकली। बाजरा वैसे हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी है, तो आज हम उसी से ही एक हेल्दी स्नैक्स बनाएंगे। तो चलो हम जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून जितना खड़ा धनिया, 1/2 टेबलस्पून जितनी सौंफ, 1/2 टीस्पून जितना जीरा, काली मिर्च 4 से 5, और इन सबको मैंने थोड़ा सा सेक लिया है। अब उसको मिक्सर में थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। तो दूसरी तरफ मैंने लिया है लहसुन 4-5, 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया। अब मैं इसका पेस्ट बना दूंगी। अब हम यहाँ आटा लगाने के लिए मैंने लिया है 2 मीडियम साइज बाउल बाजरे का आटा यानी पर्ल मिलेट, और उसके साथ में हम डालेंगे जो हमने मसाला ड्राई रोस्ट करके बनाया था 2 टेबलस्पून वो डालेंगे, साथ में ही ग्रीन पेस्ट, कोरिएंडर, गार्लिक और चिली का, और उसी के साथ में हमने डाला है थोड़ी सी कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून जितनी, और 1 टेबलस्पून जितना मैंने यहाँ पर डाला है लाल मिर्ची, और साथ में हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, और उसी के साथ में 1 टेबलस्पून जितना मैंने तेल भी लिया है सेसमे सीड्स, और मोयन के लिए हम यहाँ पर लेंगे 2 टेबलस्पून जितना ऑयल, और साथ में मिलाया हमने नमक। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इन सबको हल्के हाथों से मसलते हुए आटे में मिक्स कर देंगे, ताकि जो हमने मसाला डाला है वो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद में हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस आटे को गूंथ लेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो बना देंगे। इसके लिए मैंने 1 कप जितना पानी यूज़ किया है, यानी 2 मीडियम साइज बॉल आटे के साथ में 1 कप जितना पानी लगता है। तो हम बस अब इसको थोड़े हल्के हाथों से मलते हुए इसका मैंने आटा यहाँ पर लगा दिया है। मैंने इस आटे को सेट करने के लिए रख दिया था 5 मिनट के लिए। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े ले लेंगे, और इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है हाथों में लगाने के लिए, क्योंकि ये आटा चिपकता है हाथों में जब हम बनाते हैं। तो आप चाहे तो किसी भी तरह का शेप दे सकते हो। मैंने इसका चकली का शेप दिया है, और इसके लिए मैंने कोई मशीन यूज़ नहीं किया है, हाथों से ही बनाऊँगी, बट ये बनने में बहुत ही अच्छी बनती है। तो हम बस बनाना शुरू करते हैं। अब हम दोनों हाथों से बेलते हुए उसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, पतला पतला आप देख सकते हो, और उसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए इसको हम चकली का आकार दे देंगे। और आप देख सकते हो हमारी चकली बनके तैयार है, और इसको बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, वो फटाफट बन जाती है। तो इस तरह से हम सारी चकलियाँ बना देंगे। तो हमारी सारी चकलियाँ यहाँ पर बनकर तैयार है। इसको बनाने में मुझे 10 से 15 मिनट लगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था, और गैस की फ्लेम भी लो टू मीडियम पर है, और इसी फ्लेम पे हम सारे चकलियाँ भी तलेंगे, और इसको पूरा तलने में 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो हमारी चकलियाँ बनकर बिल्कुल तैयार है। आप सभी देख सकते हो कि ऑयल में जो बुलबुले उठ रही है एकदम धीमी हो गई है, और इसका चकलियों का कलर भी चेंज हो गया है। ये एक तरह का साइन होता है, जब हम कोई भी चीज़ तलते हैं और वो पक जाती है तो ऑयल में उठने वाले बुलबुले अपने आप धीमी हो जाती है। तो बस हम उसको सर्विंग प्लेट में निकाल देंगे, और उसी तरह हम दूसरा बैच भी तैयार कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी हेल्दी क्रिस्पी चकलियाँ बनकर तैयार है। ये बहुत ही अच्छी बनी है और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। आप सभी ट्राई करना। वैसे तो हम तरह तरह के स्नैक्स बनाते हैं, जो कि गेहूं के आटे से बने हुआ होता है या फिर मैदे का बना हुआ होता है, लेकिन हमारे खान पान में हमें बाजरा है, रागी है, वो भी शामिल करना चाहिए। वो हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। यदि आप सबको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी है, या इस तरह की और अलग रेसिपी आप देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में ही बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, ताकि मेरे आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सभी तक जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।